नमस्कार मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज बरतोल ब्रेथ कहते थे कि एक घाटी पाट दी गई है और एक खाई गहरी कर दी गई दरअसल जो जिस तरह के हालात हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है क्या देश हिंदुस्तान की जो अवधारणा है वो टुकड़ों में बट के रह गई है हम इस मसले पे बात करेंगे कि आखिरकार हिंदी पट्टी वाले लोगों को गुजरात में निशाना क्यों बनाया जा रहा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हम स्वागत करते हैं दीपक शर्मा जी के आप आरएसएस विचारक हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धन्यवाद हम स्वागत कर रहे हैं अखिलेश मिश्रा जी का राजनीतिक विश्लेषक हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है नैटिक न्यूज पे थैंक यू साहिल थैंक यू और हम स्वागत करते हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं साथी पत्रकार हैं ऋषि मिश्रा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है सर थैंक यू जी सबसे पहला सवाल अखिलेश मिश्रा जी जी कि आखिर जो गुजरात में जो घटनाएं घट रही है घटनाएं कहीं भी होती है लेकिन क्या एक पीड़ित के कारण पूरे समाज को पूरे समुदाय को हम टारगेट कर सकते हैं और ये कितना सही है नहीं ऐसा कभी भी हमारी एक हमारे समाज में और जो हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं आप हजारों साल से देखिए ऐसा कभी भी नहीं रहा है ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं जबकि इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है देखिए यहाँ पे है क्या ये पॉलिटिशियंस जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए और बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए ये सारे ऐसे काम करते हैं समाज के वो मूलभूत सिद्धांत ये पॉलिटिशियंस कौन है इनके नाम तो होंगे नहीं देखिए नाम अभी अब ये जांच का विषय है मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी आदमी का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता अपेश ठाकुर जो कांग्रेस के नेता हैं अभी के आए हैं नहीं नहीं ठीक है मैं वीडियो हो रहा है मैं हूं क्यूंकि, क्यूंकि है मैं मानता क्योंकि क्योंकि जो तटस्थ वह भी पाप का भागी है दिनकर कहते थे लेकिन जो दिख रहा है उस पर सवाल कौन उठाएगा नहीं पाप के भागी तो इसमें देखिए मैं केवल ये नहीं है कि जिन्होंने इनिशिएट किया जो चुप बैठे हैं वो भी बराबर पाप के भागी है जो कर रहे हैं वो भी बराबर पाप के भागी है सवाल यहाँ पे साहिल देखिए समझने वाली ये चीज है जैसे लोग इसको दिखाई दे रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है मैं बोलता हूँ प्लांटेड है और इसके पीछे लॉजिक है क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं नहीं कौन है कौन नहीं है ये बाद में सवाल तो पूछा जाएगा ना इतिहास पूछेगा आपसे आप कांग्रेस वाले बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी की पार्टी बोलेगी कांग्रेस वाले हैं कोई और बोलेंगे कोई और किसी पार्टी के लिए बोलेंगे मेन चीज ये है दीपक जी दीपक जी दीपक जी मैं बीच में रोकूंगा दीपक जी ये बताइए कि आप संघ से जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी चुनके बनारस से आते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं और बनारस उत्तर प्रदेश के लोगों का एक बनारस के आदमी ट्रेन से कल उतरता है बोलता है कि लगता है जैसे मैं कहीं किसी दूसरे मुल्क से आ रहा हूं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही राज्य में बिहारियों को उत्तर भारतीयों को हिंदी पट्टी वालों की रक्षा देने सुरक्षा करने में नाकाम हो रहे देखिए किसी एक की गलती पूरा समुदाय ना भोगते ये तो बिल्कुल सत्य बात है और नाकाम नहीं है आज सुबह भी उत्तर प्रदेश के सॉरी गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कानून में आस्था रखें और डरने की आवश्यकता नहीं है कानून अपना कार्य करे सवाल यह है सवाल यह है कि विजय रूपाणी जी ने यह बात कही है गुजरात के मुख्यमंत्री ने कि अस्सी फीसदी नौकरियां जो है हिंदी पट्टी वाले खा जा रहे हैं यह सुनिश्चित हो कि गुजरातियों को अस्सी फीसदी नौकरी दी जाए तो क्या ये सवाल है दीपक जी कि क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार कंबोडिया से आते हैं या इस देश के हिस्से हैं सस्ते श्रमिक आपको चाहिए लेकिन आपको उनको रिजर्वेशन चाहिए गुजरातियों को क्योंकि वो निकम सब, हैं। सब इसी देश के हिस्से हैं साहिल जी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ जो है समरसता में बिलीव करता है संघ जो है एकता और अखंडता में और संघ जो है अखंड भारत का सपना देखता है और संघ हमेशा अखंड खंड खंड हो रहा है साहब नहीं नहीं अखंड भारत का सपना जो है आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघ जो है सबसे बड़ा संगठन है सर गुजरात में हम सवाल गुजरात का है सवाल बिहार का है सवाल उत्तर प्रदेश का है सवाल गुजरात का है तो जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी कानून अपना कार्य कर रहा है जांच कार्रवाई चल रही है वो कानून का ऋषि का मिश्रा जी कांग्रेस के नेता अल्पेश ठाकुर वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जो हमारी बच्ची के साथ हुआ हम उसको बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे और कौन कौन लोग हो जो ट्रकों के टायर काट दोगे फैक्ट्रियां बंद कर दोगे क्या कहते हैं किस तरह की सियासत हो रही है नए चेहरे अल्पेश ठाकुर मैं तीन चार पॉइंट रखना चाहता हूं सर्वप्रथम जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ चाहे बलात्कार करने वाला कोई भी हो बलात्कारी का कोई प्रांत कोई धर्म कोई जात नहीं होता है तो प्रथम जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का कृत्य किया है, है उस पर सख्त से सख्त सजा भारत संविधान के तहत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए पॉइंट नंबर एक सात दिनों से इस प्रकार की घटना चल रही है ये सात आठ दिनों से ये प्रोपेगेंडा गुजरात में चल रही है गुजरात सरकार कहाँ सोई हुई थी कल कल विजय रूपानी का स्टेटमेंट आता है क्या विजय रूपानी इससे पहले जब ये घटना का शुरुआत हुई हुआ तो गुजरात के मुख्यमंत्री को क्या इस चीज़ पे अपील जनता से अपील नहीं करनी चाहिए यदि अल्पेश ठाकुर का नाम आता है अल्पेश ठाकुर का एक आपने सही कहा अल्पेश ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अन्य राज्य से लोग आ रहे हैं वो वो यहाँ गंदगी फैला रहे हैं यहाँ के रोजगारों पर कब्जा कर रहे हैं

ठाकुर चुनके प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं कांग्रेस के कोई आम आदमी नहीं है किसी छोटे गुट को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी इस तरह की चीजें करने की बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी ये बिल्कुल ही मतलब निंदनीय चीज है आप देखेंगे कि हार्दिक पटेल ने जो उनके मित्र हैं वो भी इस चीज का विरोध किए हैं कि गुजरात में रहने वाले सभी भारतीय हैं आप ये अल्पेश ठाकुर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये उनका जो दाव है क्रॉस फायर हो गया है ये सिर्फ गुजरात का नहीं, नहीं देश का भी हानि पहुंचा रहे हैं गुजरात के कई जो यूनियन है उद्योगपति यूनियन है मजदूरों के यूनियन से मैंने बात किया है उन्होंने ये बात कही है कि ये गुजरात के बिजनेस पे तमाचा मारा गया है अब दिवाली का टा, टा, टाइम आ रही है काफ़ी लोगों के पैसे लगे हुए हैं वहाँ यदि वहाँ से मजदूर मूव हो जाए तो वो कैसे काम जो दिवाली में जो उन्होंने जो उन्होंने काम ले रखा है है उसको कैसे दिल, दो सवाल कर है यहां पे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि गुजरात के व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा लेकिन आपने कभी उस बात को सोचा कि जो जो अपनी पूरी जिंदगी पूरी कमाई तन मन धन दे करके वो गुजरात में सस्ते श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं उनपे किन्हीं बात की ये गैर मानवीय है, है कि नहीं ये बिल्कुल गैर मानवीय है इसमें सरकार का जो है सरकार भी बीजेपी की जो सरकार है विजय रूपानी के सीएम है आज आज ही मीडिया में आ रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने टकार लगाया राहुल गांधी हर एक मसले को लेकर ट्वीट करते हैं बात करते हैं इस मसले पे कोई बात नहीं किया नहीं राहुल गांधी का ट्वीट आया है राहुल गांधी का ट्यूट आया है राहुल गांधी ने इसको क्या राहुल गांधी ठाकुर अल्पेशभल नहीं रहे हैं बगावत कर राहुल गांधी ने ये जो ट्वीट किया है उसको उसमें राहुल गांधी ने बेरोजगारी से जोड़ के उसको किया है बेरोजगारी पोलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं राहुल गांधी हाँ बिल्कुल राहुल गांधी इस चीज को पोलिटिकल माइलेज के रूप में इस्तेमाल किए हैं अखिलेश मिश्रा जी एक सवाल बीच में रोक रहा हूं आपको क्या हिंदुस्तान में जिस तरह की घटनाएं हो रही है गुजरात से एक वीडियो आई है उस वीडियो में दिख रहा है कि जिस तरह से आजादी के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस तरह से लोगों के मन में खौफ था हिंसा हो रही थी कुछ ऐसा ही तो नहीं चल रहा देश टुकड़ों में बटने को मजबूर तो नहीं है साहिल कॉन्सेप्ट वही है मैं बोलता हूँ जियोग्राफिकल बाउंड्री के तौर पे देखा जाए तो हो सकता है देश टुकड़ों पे ना बटे लेकिन विचारधारा के रूप में देखा जाए तो देश तो टुकड़ों में बट गया ना गुजराती वर्सेज नॉर्थ इंडियन हो गया इसके कुछ दिन पहले पता चला कि मराठी वर्सेज नॉर्थ इंडियन होता था बंगाल में बंगाली वर्सेज कुछ और होता था हमारे देश का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे देश का हर बार शिकार हिंदी पट्टी क्यों नहीं हर बार शिकार हिंदी पट्टी इसलिए होता है क्योंकि हिंदी बेल्ट में लोग ज़्यादा हैं मजदूर ज़्यादा हैं और दूसरे स्टेट में अगर आप देखोगे गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है जॉब के लिए तो नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में गए हुए हैं जॉब के पर्पज से जाते हैं और एक परंपरा है वहां आप देखेंगे उनके खानदान में कि अगर बाप गया है तो उसके बाद बेटा भी वहीं जाता है क्योंकि वो बहुत सुलभ होता है वहां पर नौकरी लेने के लिए तो जो वहां पे माइग्रेटेड है वो नेचुरली कुछ ना कुछ कमजोर होता है एक तो लैंग्वेज का बैरियर होता है बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी जनसंख्या भी कम होती है अब हिट किसको करेंगे खलनायक कौन है मिश्रा जी खलनायक कौन है खलनायक यहाँ पे तो ऐसी विचारधारा के लोग हैं वो त... चाहे अल्पेश आखिर वो को... कौन है सर कौन है वो ऐसे विचार अभी अल्पेश ठाकुर दिख रहे हैं आप नाम नहीं ले रहे हैं नहीं केवल केवल मैं अल्पेश 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 ठाकुर ठाकुर की बात कर कर रहा आ, तो फ्रंट पे लीड रहे हैं एक्ट कर रहे हैं तो पीछे विजय रूपानी है पीछे विजय रूपानी है पीछे विजय रूपानी रूपाणी इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है जो जिसने स्क्रिप्ट लिखी है जो थिंक टैंक है इन सब चीजों के पीछे असली खलनायक तो वो है जो ऐसी विचारधारा को कौन है नाम लीजिए ना नाम लीजिए कौन है पार्टी है विजय रूपानी है कौन है नहीं नहीं बात विजय नहीं नहीं बोलना पड़ेगा नहीं, पड़े नहीं मैं आपको बताऊं बात विजय रूपानी बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है तो किसकी है साहब मैं यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलता हूँ उसके पीछे लॉजिक है भारत का जब बंटवारा हुआ था तो वहां पे भी एक दो पॉलिटिकल पार्टी थी दोनों अपनी जीत पे अड़ गए कोई भी नहीं, अरे नहीं। नहीं। नहीं तो नहीं रहीम ने गलती की तो कल्लू के बेटों को थोड़ी सजा सुनाओगे आप आपको तो बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ये बार बार इस तरह की चीजें कर सारे पोलिटिकल चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो फायदा तो इसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी को होगा नहीं नहीं ये बीच का रास्ता है समझिए अखिलेश जी अखिलेश जी ये बीच का रास्ता मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र नागपुर और गुजरात अभी जो तमाम बड़े लीडर्स जो आते हैं वो आपके महाराष्ट्र से आते हैं गुजरात से आते हैं खुद प्रधानमंत्री आते हैं प्रधानमंत्री बड़े नहीं, ऐसा नहीं। बड़े, विकास करते थे बड़ी बातें करते थे गुजरात ऐसा है गुजरात वैसा आपके गुजरात का भांडा फूट कैसे गया क्या हो गया मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं इसलिए हमले करवा रहे हैं आप हमले ने, हमले किसी किसी ने, कोई नेता ने नहीं है है यही तो अन्याय ये क्या है? ये, ये क्या और हमला उत्तर प्रदेश ये, 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 गलत बातें हो रही है देखिए अल्पेश ठाकुर का अपना पर्सनल राजनीति था वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए पॉलिटिशियन नहीं है उनको ये दिमाग नहीं है कि वो बिहार के प्रभारी भी है ऋषि अच्छा, यादव जो है, जी और आपके जो वहां से नेता आते हैं नीतीश कुमार आते हैं सुशील मोदी आते हैं इन लोगों ने एक बयान जारी करने में ट्विटर पर बात करने में किसी मैसेज को फैलाने में इतनी देर क्यों कर दी डीजीपी आपके बिहार के शिवानंद झा गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा है कौन सी ऐसी बात रही अभी एक रिसर्च आई थी मीडिया हाउस की चार सौ बहत्तर आई, आई यूपी और बिहार के हैं फिर भी बिहारी असुरक्षित है आखिर कौन मैं वजह क्या, क्या मैं, है? मैं जो पहले बात कर रहा था उसको कंप्लीट करूँ अल्पेश ठाकुर को लगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की कि गुजरातियों को जॉब मिलना चाहिए उन्हें यह अनुमान नहीं था कि ये मामला इतना तूल पकड़ेगा और इस प्रकार की बातें होगी अब अल्पेश ठाकुर को एहसास हुआ है आज एक वीडियो उनकी आई है वो रोते हुए ये अपील कर रहे हैं कि शांति बनाया जाए सभी बिहारी हमारे भाई हैं जो भी गुजरात में रहते हैं सब गुजराती हैं सब भारतीय हैं लेकिन उनकी अब पॉलिटिशियन के राजनीतिक के कारण आज कांग्रेस को इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है हजारों लोग पलायन करके उनको अपने देश में बेगाना महसूस हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल कौन खलना है? बिल्कुल देखिए खलना देखिए राजनीति इसमें दोनों तरफ से हो रही है आप मैं कह रहा कि एक सरकार के पास बहुत से इनपुट होते हैं इंटेलिजेंस होती है पुलिस होती है ये प्रोपोगंडा यदि एक हफ्ता से चल रहा था सरकार कहाँ हुई थी पॉइंट नंबर एक यदि विजय रूपानी पहला दिन आके ही अपील कर देते जो कल आके वो अपील किए हैं विजय रूपानी पहले दिन ही अपील कर देते गुजरात की जनता से इस प्रकार की न करे और जो बिहार या यूपी के जो मजदूर पलायन किए हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम करते तो आज ये माहौल बीस हजार जो मजदूर वहां से शिफ्ट कर गए हैं वो आज दौब नहीं आती जहाँ तक आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं ये बिहार के पॉलिटिशियन तो जिम्मेदार है ही आज बताइए बिहार की ये स्थिति है कि बिहार के मजदूर कहाँ नहीं है इसके, इसके 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 लिए जो जो सरकारें रही हैं चाहे नीतीश जी रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा रहे हैं या लालू यादव रहे हैं ये लोग हैं इन्होंने रोजगार का सृजन ही नहीं किया हुआ इसके कारण है कि एक बड़ा सा आबादी जो है अन्य राज्यों की तरफ मूव करता है अखिलेश जी एक बात बताइए मुझे कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसके पहले ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कई सभाएं की अमित शाह भी गए उसके बाद क्या हुआ कि महागठबंधन जीत के आई जदयू राजद की सरकार बनी उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि डीएनए में बिहारियों के डीएनए में कोई ना कोई खामी है कहीं ना कहीं वो खींच तो नहीं है कि नहीं नहीं, नहीं, नहीं चलो नहीं, चलो मैं, चलो, मैं ये चलो इस तरह से है मैं, जिसने भी ये बोला है मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं आप बिहार को अगर निकाल दीजिए ना देश से जरा प्रधानमंत्री जी को आप बताइए हमारा राष्ट्रीय महान किस राजा को महान बोला जाता है वो आपको अशोक को बोला जाता है किसी और से नहीं बिहार का कंट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है क्या कि देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हजारों साल से कंट्रीब्यूशन है सीता माता भी आप देखेंगे तो बिहार से आते हैं जो भारत की सभ्यता के जो पिलर है ना वो आप प्रथम प्रथम राष्ट्रपति हमारे बिहार के थे अब आप क्या बोलेंगे संविधान बनते समय वो थे वहां पे तो बिहारी बिहार और बिहार के लोगों का नालंदा विश्वविद्यालय मैं बोलता हूँ अखिलेश कहीं कहीं खीज है क्या नरेंद्र मोदी जी को ये खीज तो नहीं है कि बिहारियों ने वोट नहीं दिया था बोले डीएनए में खराबी है ये क्या ये खीज, क्या खीज बोलिए संकुचित मानसिकता बोलिए जब अपनी पराजय होती है आपकी पराजय इसलिए हुई क्योंकि आप बिहार को समझ नहीं पाए वहां के वोटरों को आप समझ नहीं पाए तो ये कोई तरीका खोली होता है बिहारियों के डीएनए में खराबी है मैं बोलता हूँ भारत मैं तो सारे स्टेट को घुमा हूँ रहा हूँ हर स्टेट के डीएनए में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो अपने देश को महान बनाता है पूरी बात हाँ ऋषि जी क्या कर रहे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री क्या आप आलोचना करते हैं इस चीज के लिए जो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा था नहीं, क्या, नहीं, नहीं, उन्होंने कहा था नीतीश के डीएनए में खराबी है क्या प्रधानमंत्री की बोलूंगा की आप प्रधानमंत्री हो चाहे गली के नेता हो तो पर्सनल आपको बोलने का क्या अधिकार है नीतीश का डीएनए भी एक भारतीय डीएनए है वो विदेशी डीएनए अंग्रेजों का नहीं है अगर आपने नीतीश के डीएनए या किसी विपक्ष या पक्ष के नेता के डीएनए की बात की है तो इसका मतलब है आप अपने पूर्वजों के डीएनए को खराब बता रहे हो

पवित्र रिश्ता तो क्या नरेंद्र मोदी जी के, देखे के देखे। इस बयान से हिंदुस्तान शर्मसार हो गया सवाल यह है क्योंकि उन्होंने बिहारी पे सवाल उठाया किसी जाति पे किसी स्टेट पे तो मतलब कि बिहार को शर्मसार और देश को शमसार करने का काम किया है सीधा स्पष्ट बताएंगे बिहार देश के लिए बहुत से आई दे रहा है बहुत सी प्रतिभाएं दे रहा है जी ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारी दे रहा है बहुत अच्छे तो प्रधानमंत्री बयान कैसा है तो आपकी सरकार उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करती है बिहार के कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं सरकार रिकॉग्नाइज करती है तो फिर ऐसे, ऐसे आप देखिए देखिए करती दिया, है ट्रेंड्स में मधुबनी पेंटिंग्स चलाना दीपक जी, जी की मजबूरी है देखिए राजनीति पोलिटिकल पा, पार्टियों का ये खराबी लगती है अब उनके डीएनए सबसे अच्छे लगते हैं तो वहाँ गठबंधन में सरकार में है दीपक जी एक सवाल और है जो सोशल मीडिया पे बराबर तरह रहता है की जितने गुनाहगार है जितने वो वॉशिंग मशीन है बीजेपी इधर से डालिए उधर से पाप मुक्त होकर निकलेगी क्या है देखिए सबकी अपनी अपनी विचारधारा है जी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है मैं भी कह सकता हूँ और मैं कहता अच्छा एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए कि संघ हर एक क्लैमिटी में नेचुरल क्लैमिटी में जाके खड़ा हो हु जाते हैं उनके लोग दिखते हैं ये अच्छी बात है होनी चाहिए क्या इस मामले में आपको नहीं लगता है की संघ के लोग जाकर डंडा लेके खड़े हो जाते बोले नहीं बिहारी हमारे भाई आपको खड़ा होना बहुत चाहिए संघ संग का संघ का लोग लो एक आदमी नहीं दिखे दीपक जी एक आदमी संघ संग दिखे फिलोसफी है बाद में बात कीजिएगा आप पेट पे लात मार रहे हैं हर एक उत्तर प्रदेश का आदमी मध्य प्रदेश का आदमी बिहार का आदमी पीड़ित है एक एक संघ का आदमी खड़ा नहीं हुआ जाकर के तो क्या आप पोलिटिकल एजेंडा को ले देने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा को मूर्त रूप देने के लिए आप काम कर रहे हैं ये ये सब संघ का ही नतीजा है क्या ये, सब, ये, ये जो जो <laughs> जो रहा है ये ये सब, सब सच, सच बोल रहा है ये सब संघ मत संघ का ही डिसिप्लिन है कि आज हमें शाह जी ने फटकार लगाई अरे गुजरात के मुख्यमंत्री जी ये, ये आ, हो गया। फटकार लगा दिया बहुत बढ़िया ये ऑफिशियली नहीं किया ये अमित शाह जी ने फटकार लगा दी तो जैसे महाभारत का युद्ध जीत लिया या ये बोलिए कि भारत को विश्वगुरु बना दिया यार क्या बात आप लोग कर रहे हैं क्या, आप क्या लोगों को वहां से आप, दिया आप क्या आप चाहते हैं आप ये बोल रहे अखिलेश जी अखिलेश जी आप क्या चाहते हैं कि इस भारत में दोबारा दंगे हो मैं बता आप ये चाहते हैं अखिलेश जी अखिलेश जी आप भीड़ तंत्र का आप भीड़ तंत्र का अखिलेश जी एक मिनट अखिलेश मिनट एक मिनट अखिलेश जी अखिलेश अखिलेश जी आप भीड़ तंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं अखिलेश पूरा कर लेते जी आप घटना के पहले आपके दोनों जगह सरकार है घटना के पहले आपने क्यों एक्शन एक एक नहीं लिया आप आप बताइए हो जाने किया अखिलेश आप विपक्ष की भाषा बोल करके मैं तो मैं तो दीपक तो नहीं। नहीं, तो जी आप, आप धमकी दे रहे हैं दीपक जी अखिलेश नहीं कृपया अखिलेश आप धमकी दे रहे हैं दीपक जी नहीं आप जो है देश की जनता के सामने आप धमकी दे रहे हैं चाहते हैं बुद्धिजीवी जी आप धमकी दे रहे और कोई यहाँ पे ये ये बेस बेस दिपार 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 जी दिपार दिपार जी जोड़ा लोगों को जवाब देने दीजिए ऋषि जी आप बताइए क्या टेक है देखिए मैंने शुरू में ही कहा जो जो घटना गुजरात में हुई है एक्चुअली जिस बच, जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है वो ठकोर समाज का से आती थी उस चीज को तो, को ठकोर सेना ने उस चीज को राजनीतिक रूप देने की प्रयास किया जी। तो इस इस चीज का इस चीज का जो मैं मैं शुरू में ही आपको पहले टेक में कहा था कि जो अपराधी का कोई क्षेत्र कोई धर्म कोई जात नहीं होता है उस पर भारत के संविधान के तहत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस प्रकार जो कृत करेंगे वो जेल के अंदर होंगे लेकिन ऐसी घटना पे सिर्फ एक आदमी कोई घटना करे उसको उस चीज को किसी खास प्रांत, किसी खास खास प्रांत क्षेत्र से जोड़ देना और वहां के लोगों को परेशान करना सिर्फ हम मैं चाहते हैं गुजरात के बिजनेस को आप तोड़ना चाहते हैं लेकिन सवाल इस बात का, का ने, 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 तो है कि क्या बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग इंसान नहीं हैं बिल्कुल 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 वही चीज पहला सवाल तो होना एक, चाहिए एक, एक कल जो उद, उद्योगपति के, के बाद दूसरी बात जो आती है वो व्यवसाय या फिर भोजन आता है जी जी मैं कल एक चैनल में डिबेट पे था एक उद्योगपति के यूनियन के अध्यक्ष बता रहे थे कि जो जो मेहनत करने का जज्बा इन बिहार और यूपी के लोगों को है ये इन गुजरातियों में नहीं है क्योंकि गुजरात के लोग जो बिजनेसमैन होते हैं इतने कड़ी मेहनत करने वाले वो लोग लोग होते नहीं हैं यदि ये लोग चले जाएंगे तो गुजरात का बिजनेस ठप हो जाएगा पॉइंट नंबर एक

देखिए साहब ऐसा है साहिल जी कि हम विकास के मोदी जी जब जाएंगे तो विकास के लक्ष्य को लेकर के जाएंगे आपका हजार सवाल उठे गोदरा भी देखा है सर नहीं सवाल तो सवाल तो सभी, सभी की कार्यशैली पर उठते हैं और दंगा से काम नहीं होगा सवाल सवाल तो सभी की कार्यशैली पर उठते हैं जी नहीं नहीं वो सवाल आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उठाया था और उन्होंने बोला था कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है प्रेस मीडिया या हम उठाते तो चलो जी हम ईर्षा बस उठा रहे हैं या विपक्ष में है जो आपने बोला उस वक्त जो आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बोला था टीवी पे एक खबर हुआ था कि मैं समझता हूँ मोदी जी आपको राजधर्म निभाना चाहिए अब आप क्या बोलेंगे इसमें इसमें ये हाँ, बहुत ये बहुत अच्छी बात है कि एक संगठन का बड़ा बुजुर्ग अपने छोटे को ये बता रहा है कि आपको ये थे अटल बिहारी वाजपेयी मजबूरी कहाँ है इसमें मजबूरी कहाँ फेल्योर थी कि नहीं निर्देश उन्होंने बोला वो खुश नहीं थे उस परफॉर्मेंस से तो तो जी तो जी आप आप, आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं कोर्ट तो मोदी को दोषी नहीं माना है आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं तो तो आप भारत तो की जुडिशरी चलेंगे ना आप नहीं नहीं आप भारत की जुडिशरी चलेंगे ना जुडिशरी मोदी कोर्ट को नहीं मानते खुद प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों बोला इसका मतलब है वो नहीं मानते थे ना आपके प्रधानमंत्री मानते थे ना कि ये कहीं कहीं न कहीं ये गलत हुआ है वाजपेयी ने ऐसा कभी नहीं कहा की राजधर्म कभी नहीं कहा आप गलत बोल रहे हैं बोला था कि मैं समझता हूं इन्हें राजधर्म निभाना चाहिए अब आप मुझे ये बताइए आज के टॉपिक पे बात कीजिए ना दे, आगे। दे, आगे। कहा ना आपसे कोर्ट ने आपने कहा अभी हाँ। जी की नैतिकता आपको लगता है कि कोर्ट नैतिकता के अनुसार काम नहीं तो करती है कोर्ट के लिए ये थोड़ी है आपने कहा आपने कहा नहीं बोला नहीं मैं गलत आधार पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह क्यों बोला था कि मोदी जी को राजधर्म निभाना चाहिए आपको लगता है कि कोर्ट में अब आ, अब ता, अब ता, अटल देखिए अटल बिहारी अखिलेश जी अखिलेश अखिलेश जी ये सवाल ऋषि मिश्रा जी आपसे है लगातार नरेंद्र मोदी जी महागठबंधन टूटने के पहले बारह सेकंड या पंद्रह सेकंड पहले उन्होंने बधाई नीतीश कुमार को दे दी देश जल रहा है बिहारी अस्मिता हिंदी पट्टी अस्मिता लगातार सवाल कर रहा है नरेंद्र मोदी जी कहां हैं बिल्कुल इस चीज का मैं आलोचना करता हूं नरेंद्र मोदी का कि कम से कम वो गुजरात से हैं माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से हैं कम से कम उनको और अमित शाह को अपील करना चाहिए कि इस प्रकार की घटना जो हो है? रही है सबका सबका ने, कैसा ने, है सबका सबका साथ विकास नहीं इसमें इस तो मैं नरेंद्र मोदी की जी के जो इमेज है डायल्यूट हो, होती दिख रही है और क्रॉस फायर आज जो है अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी दोनों ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सी पटेल से बात किया है और डांट लगाई है कि आपने जो इस सिचुएशन को गलत ढंग से हैंडल किया है लगता है ये बात कि नरेंद्र मोदी आगे बात कर लिए होते या वो खामोश थे तो विजय रूपानी बिल कर पाते बिल्कुल नहीं मतलब कौन सा मती नरेंद्र मोदी यदि पहले दिन ही शुरुआत में ही अपील कर दे तो इस प्रकार की घटना आगे बढ़ती ही नहीं क्या कहेंगे दीपक जी नरेंद्र मोदी जी की निष्क्रियता कैसे कैसे बताएंगे आप नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता की आवश्यकता तब पड़ती साहिल जी, जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी ठीक कार्य नहीं कर नहीं नहीं गुजरात के गुजरात के मुख्यमंत्री हाँ के हिसाब से अभी परफॉर्मेंस सही है इतना बड़ा दंगा सब कुछ हो गया अरेके, अरेके उसको सही दंगा क्या है रखने में आप हाँ रहे हैं आप आपको समझना पड़ेगा मैं सरकार का पक्ष और विपक्ष रखने की बात नहीं कर रहा हूँ बताइए ये आपको समझना पड़ेगा जी बताइए एक घटना घटित होती है जी और उससे पहले उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं जी फिर वो चार, 6 आठ इस तरीके से भाई एक भीड़ तंत्र का भीड़ तंत्र क्रिएट हो जाता है आपकी सरकार में आप किसका विपक्ष जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हुई है उसका है। तो cana. और उसका विपक्ष आपको जवाब देता हूं भीड़ तंत्र को मैनेज करने में चुनाव के टाइम पे वोट लेने में बीजेपी बड़ी आगे है लेकिन इस तरह की जब दुर्घटना होगी तब ये बोल रहे हैं कि हम भीड़ तंत्र को मैनेज नहीं कर सकते प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया जाता सवाल दीपक जी दस दिन के बाद ये चीजें रोकी जाती अखिलेश अखिलेश जी का सीधा सवाल है प्रिवेंटिव कौशन क्यों नहीं लिया गया बताइए आप देखिए वो सरकार का काम है और दूसरी चीज ये है आप ही सरकार जब है, नहीं, नहीं, सरकार तो आप ही संग, है ना वहाँ पे भी और सेंटर में भी है संघ सरकार कहाँ है अरे सर संघ ने ही तो सरकार बीजेपी और संघ को आप अलग मानते हो सरकार, के सरकार सरकार संघ एक, एक, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है अरे अब गुजरात को राजनीति को थोड़ा समझना होगा कि विजय रूपानी को कहीं न कहीं लगा कि अल्पेश ठाकुर एक ओबीसी का उभरता हुआ नेता है यदि इस पे हम कार्रवाई करेंगे तो जो ठाकुर समाज है जो पटेल समाज के बाद ठाकुर समाज की वहाँ उपस्थिति है उससे कहीं ना कहीं लगा कि यदि करेंगे तो अल्पेश ठाकुर एक बड़ा नेता तो इस... के रूप में उभरेगा इसलिए बिल्कुल 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 मिश्रा जी हमको कम्प्लीट करने दीजिए इसके कारण कहीं ना कहीं विजय रूपानी इस चीज को डर रहे थे एक्शन लेने पर लेकिन विजय रूपानी ये नहीं समझ पाए कि इसके कारण आपको उत्तर प्रदेश और तीन हिंदी बेल्ट राज्य में चुनाव होते होने जा रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसका आपको भुगतान वहां करना होगा इसके इसका ही परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से बात करना पड़ा है उन्हें लगा है कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से चूक हुई है जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, जी। चूंकि आप राजनीति को बहुत महीन तरीके से देख रहे हैं क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा देखिए खामियाजा यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों को उठाना पड़ेगा उसका रीजन है अगर ये मान लिया जाए कि ये कांग्रेस ने कराया या बीजेपी ने कराया कोई बहुत बड़ा इनको अचीवमेंट होने वाला नहीं है उसके पीछे सबसे पहला लॉजिक मैं ये दूंगा ना गलत तरीका कितना भी स्ट्रांग क्यों हो वो बहुत स्टेबल नहीं होता है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं और उसके मतलब परिणाम बड़े भयानक होते हैं लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप चुनाव जीत जाए या हार जाए कुछ भी हो पाकिस्तान जब बना था देश का बंटवारा ऐसे ही माहौल में हुआ था कुछ चीजों को लेके दो विचारधाराएं बन गई लोग लड़ने लगे मरने लगे और देखिए अंग्रेजों ने एक हमारे नेताओं ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो अंग्रेजों से एक चीज अभी तक इनके डीएनए में घुस गया है डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है हर चुनाव में कभी ये जाति के आधार पर वोट को बांटेंगे लोगों को बांटेंगे कभी सेक्टर कभी रीजन कभी किसी

काशी नगरी में माँ गंगा ने बुलाया है सवाल पूछेंगे क्या करेंगे आप मैं समझता हूँ जनता को सवाल <laughs> पूछना चाहिए जनता को समाज सवाल पूछने का अधिकार है समाज को सवाल करने का अधिकार है और उसका उत्तर जो है स्वयं नरेंद्र मोदी देंगे तो संघ तो कहीं नहीं दिखी लोगों को बचाने में आप इसको संघ के इस कदम से आहत हैं दुखी हैं क्या जबकि संघ बहुत मजबूत है गुजरात में संघ बहुत मजबूत है बाजू में महाराष्ट्र है क्या आप आहत हैं कि वो संघ के लोगों ने आकर के मदद नहीं की आप दुखी हैं कि नहीं है देश बिहारियों दुखी है दीपक जी आप दुखी हैं देश में आपको बुरा लगा देश में कोई भी अमानवीय घटना होती है तो संघ दिल से दुखी सर, होता है यदि देश में दुखी हैं यदि आप इस मामले पर गलत हुआ है दीपक जी आपको लगता है गलत हुआ कोई भी प्राकृतिक आपदा आपको है, लगता ये गलत तो हुआ है, है है? गलत हुआ संघ के दिल पर होता प्राकृतिक आपदा नहीं है ये मैन मेड प्लांटेड ये षड्यंत्र है आप इसको प्राकृतिक आपदा आप, मत बोलिए आप, आप इसको दुख मानने से भी इनकार कर रहे हैं क्या वजह है संघ क्या वजह है संघ नाराज हो जाएगा आपसे संघ आप बताइए आप आप दुख नहीं मान रहे हैं आपको बुरा नहीं लग रहा यह जो है घटी है इसका इसका मुझे दुख है और संघ सी विफलता पर भी आपको दुख है

तो षड्यंत्र विपक्ष का हो सकता है अच्छा भला अपनी अच्छा कोई भला अपनी सरकार कोई भला अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाना चाहिए अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं लेकिन हमें जब हमारा दुश्मन देश देख रहा होगा तो कितना खुश हो रहा होगा कि हमें परमाणु और और हथियार की जरूरत ही नहीं है भारत को बर्बाद करने के लिए तो खुद आपस में लड़के बर्बाद हो रहे हैं तो मुझे आज नैटिक न्यूज पे बैठ के ये दुख बहुत दुख हो रहा है कि क्यों हम भाई भाई में हम लोगों को लड़ाया जाए बताइए राहुल गांधी जी ये सवाल सीधा आपसे है राहुल गांधी दो के लिए बहुत सारे सपने पाल बैठे हैं सामने नरेंद्र मोदी ताकतवर शख्सियत हैं जो प्रधानमंत्री के पद पे काबिज हैं ये जो घटना हुई है अल्पेश ठाकुर भी विलन बन के निकले हैं विजय रूपानी भी लेकिन सवाल तो राहुल ठाकुर राहुल गांधी से भी पूछे जाएंगे साहब देखिए मेरा मेरा ये मानना है चाहे राहुल जी हों या मोदी जी हों यदि अल्पेश ठाकुर ने ऐसा किया है तो एफआईआर होना चाहिए और उसको तो जेल जाना चाहिए और और राहुल राहुल गांधी राहुल गांधी अपने नेता यदि राहुल गांधी को लगता है राहुल गांधी राहुल गांधी कमजोर नेता है नहीं राहुल गांधी को लगता है कि अल्पेश ठाकुर कहेंगे गिल्टी है तो अल्पेश ठाकुर को पार्टी से अरे सर आप भी दीपक जी के जैसे बातें कर रहे हैं इतनी दिन हो गए और अभी तक उनको पता नहीं चला गिल्टी कौन है आ साहब कार्रवाई नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं देखिए एफआईआर काम करना पुलिस का है बड़ी शंकर काफ कोई एफआईआर हुई थी क्या आप जो आपने दिया आप ये बताइए मुझे कि नैतिक रूप से राहुल गांधी को ये कदम उठाए ये चाहिए ना ये ना तो कांग्रेस के, तो के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे ने, 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 मैं पत्रकार पत्रकार के नाते आपको क्या लगता है पत्रकार के नाते, पत्रकार के नाते मैं कहना कम... चाहता हूँ यदि ऐसा कमजोर चरित्र सामने आ वीडियो आया है तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए ऐसा क्यों किया क्योंकि राहुल गांधी गुजरात के नेता नहीं है न बिहार के नेता है पूरे भारत के नेता है प्रधानमंत्री पूरे भारत के प्रधानमंत्री है यदि इस प्रकार का कोई हमारे देश के अखंडता को खंड खंड करने की कोशिश करता है तो उसका जगह जेल के अंदर है जेल के बाहर नहीं जी एक बात बताइए आप अखिलेश जी कि जो ये जो दोषी हैं इन पर किस तरह का एक्शन ले कि लोगों में इकबाल जाए देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो पार्टी है जो उनके मेंबर हैं जी इमीडिएट इनको हमेशा के लिए बर्खास्त करना चाहिए ताकि देखिए ये, ये ये क्या है ऑल दीज आर द पॉलिटिकल क्रोकोडाइल आ करके तालाब में सबको खा डालते हैं किसी को देश को खा डालते हैं तो ऐसे लोगों को तो पॉलिटिक्स में एंट्री ही नहीं देनी चाहिए पार्टी को निकाल देना चाहिए इमीडिएटली पार्टियां वो करती नहीं है उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं कुछ वोट बैंक की राजनीति होती है कुछ पर्सनल रिलेशन होते हैं दूसरा हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुविधा या प्रॉब्लम ये है ना देखे कोई मर्डर हो जाएगा उसके बाद पुलिस पहुंचेगी प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लेती है पार्टियां गवर्नमेंट या सिस्टम जो भी जे, है प्रिवेंटिव एक्शन को यहां पे जोर देना चाहिए इंटेलिजेंस होती है रिपोर्ट्स होती हैं चलिए अगर आपको नहीं पता है तो इमीडिएट एक्शन आप क्यों नहीं लेते हो चार दिन छह दिन बीत जाता है तब मुख्यमंत्री निकलेंगे तब डी निकलेंगे पंद्रह दिन के बाद जब देखेंगे नहीं संभल रहा है तब प्रधानमंत्री और सारे लोग निकलेंगे इतने इतने सुस्त और इतने उदासीन आप लोग क्यों रहते हो? इन जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है ममता बनर्जी उनके मुख्यमंत्री है किसी तरह की वारदात होती है आप कहते हैं संघ राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है ये तुरंत इस्तीफा की मांग करते हैं विजय रूपाणी का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए मुझे आप संघ जो बंगाल अभी तो वो मांग कर लेते हैं बंगाल में जो अमानवीय घटनाएं होती हैं और आपको गुजरात नहीं दिखता विरोध करना तो में गुजरात नहीं दिखता साहब यदि गुजरात में आपके लोग यदि यदि भारत को कोई भी तोड़ने का प्रयास करेगा तो आप विजय रूपाणी सबसे पहले मांग कर लीजिए आप भी मांग कर लीजिए मांग करिए यदि ऐसा महसूस होगा तो मांग करेंगे अभी अभी आपको महसूस नहीं हो रहा कि अभी कानून कर रहा कानून रहा कि कर रहा है, अभी कानून कर है है कानून जांच अरे साहब आप आप रहनुमा थे आप नेता थे आपके सामने इस तरह की वारदात हुई हजारों बिहारियों लाखों बिहारियों करोड़ों बिहारी जो बिहार में बैठे हैं उनका इकबाल लोकतंत्र से हट गया है विजय रूपानी इसके दोषी हैं आप इस्तीफा की मांग करते हैं आपको दुख है तो बताइए दुख तो हमेशा हर मानवीय अमानवीय जितनी घटनाएं होती हैं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं सबका दुख रहता है जी और दुख होना चाहिए क्योंकि देशवासी जिससे खतरे में आ जाए जी उसका दुख हमेशा संघ को होता है जी और संघ हमेशा जी देशवासियों के दुख में उनके साथ खड़ा रहता है आपने खुद ही उसको स्वीकार किया है जी और आप लोग जान जी देखिये स्वीकार स्वीकार तो कौन कर रहा है ये तो वक्त बताएगा आप ये बताइए कि संघ इस मुसीबत की घड़ी में नहीं दिखा तो कैसे वो खड़ा है ये तो संघ क्लेम करता है मैंने कभी माना नहीं क्लेम करता है फोटो जारी करता है फेसबुक ट्विटर पे कि हम यहाँ मदद कर रहे हैं कहीं दिखा नहीं अभी दिखने का मौका था दिख जाते हैं फोटो में दिखता है फोटो में तभी दिखता है जब कोई कार्य करता है तो मतलब यहाँ काम नहीं किया लोगों ने नहीं काम किया है मैं आपके साथ बैठा तो हूँ जी तो रहा हूँ देश में कहा दिखी सर देश में गुजरात में कहा दिखे संघ के लोग देश में यदि कोई भी अमानवीय नहीं नहीं दिखे ना आप नहीं करेंगे अखिलेश जी फाइनल कमेंट कौन है गुनागार साहिल मैं आपको नहीं गुनागार यहाँ पे सिस्टम का हर एक पार्ट है मैं अपने आप को भी गुनागार मानता हूँ क्योंकि सवाल मुझसे भी पूछा जाना चाहिए हम भी जिम्मेदार हैं शासन के ऊपर बैठे हुए लोग जितने हैं जो लोग ये प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जो ये अच्छा। सारी चीजों को कर रहे हैं मैं कहना ये चाहता हूं कि कि राजनेताओं को सबक लेना चाहिए कि आपको राजनीति करनी है गद्दी तक पहुंचना है तो क्या जनता की या जो बेगुना जो बेगुनाह लोग हैं हैं मजदूर है, उनके लाश के ऊपर पैर रख करके आप सिंहासन तक पहुंचेंगे कैसा ये लोकतंत्र है और कैसा आपका सिद्धांत है बिना वजह के आप लोग ऐसे मुद्दों को क्रिएट करते हैं अपने छोटे मोटे फायदे के लिए चुनाव जीतने के लिए अपने आप को लाइन लाइफ में लाने के लिए ऐसे लोगों को एक तो अल्पेश ठाकुर जैसे हो गए पार्टी को तुरंत इनको निकालना चाहिए ना इनको लाइफ लॉन्ग बैन करना चाहिए आप देश को जो है खंड खंड करके बैठे हुए हैं जाति में बांट रहे हैं हजारों लोगों की पूरी मल्टी लेयर यहाँ पे लॉस हो रहा है इकोनॉमिक लॉस हो रहा है बहुत ही शानदार बात कही है अखिलेश मिश्रा जी ने कि जो ऐसे लोग हैं उन उनपे तत्काल राजनीतिक दल कार्रवाई करें क्योंकि लाश पे पांव रख करके विकास और सियासत की अवधारणा अब पैदा नहीं कर सकते ऋषि मिश्रा जी गुनागार कौन है देखिए जो भी गुनागार हो अल्पेश ठाकुर हो राज ठाकरे हो इस प्रकार के लोगों पे राजनीतिक रूप से ऐसी अंकुश लगाना चाहिए जनता को भी और क्या कहते हैं शासन को भी अल्पेश ठाकुर का जगह यदि अल्पेश ठाकुर का वीडियो आया है मैंने भी वीडियो देखा है वो इस प्रकार की भड़काऊ भाषण दे रहे थे तो कांग्रेस आलाकमान को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए ऐसे नेताओं को पार्टी से निकालिए क्योंकि आप सिर्फ गुजरात से राज प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे आपको पूरे भारत की राजनीति करनी है और जो हमारे देश की अखंडता को खंड खंड करने का प्रयास चाहे कोई भी करता हो चाहे अल्पेश ठाकुर राज ठाकरे जैसे लोग हों इनको राजनीति से पब्लिक से लेके नेता से लेके राजनीतिक पार्टी इनको निकाल चाहिए एक्शन लेना चाहिए ताकि एक मिसाल बने जी एक मिसाल बने कि जो दोषी हैं जो जनता के सेंटीमेंट से खेल रहे हैं जो यूपी बिहार एमपी के जो इनोसेंट लोग हैं उनको बाहर भेजने पे मजबूर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमे 5 साल इंतजार नहीं करती उनको अपने बैलेट से उनको ईवीएम से आकर के अपनी ताकत का अंदाज दिलाना है क्योंकि हम जो हिंदुस्तानी सभ्यता है बहुत लंबे दिनों से हम सुरक्षित हैं इसलिए कि हम अपने लोगों में यकीन करते हैं जो हिंदुस्तान की रूपरेखा है जो सभ्यता है हम सब एक साथ मिलकर रहने की है लेकिन ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार अल्पेश ठाकुर या विजय रूपानी किस किस सह पर इस गुंडागर्दी को लाइसेंस का रूप दे रहे हैं इस गुंडागर्दी को इस तानाशाही को अप्रोक्ष समर्थन दे रहे हैं इसमें सवाल उठते रहना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा मैं दीपक शर्मा जी का और बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश मिश्रा जी